वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन की एट सिक्स में। तो चलिए लगाते हैं आज सेट नंबर 5। और एक अच्छी खबर आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, जी हाँ, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी तो एक्टिव हो ही गया था कल, लेकिन आज से जिन लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका भी 28 तारीख को परीक्षा है। ठीक है, अगले दिन आप लोग 29 तारीख वाले डाउनलोड करेंगे। तो ऐसे ही लगातार 4 दिन पहले आप लोगों के एडमिट कार्ड आते जाएंगे जिनके एग्जामिनेशन सिटी सेंटर दिए गए हैं। तो आप लोग जाइए ऑफिशियल वेबसाइट, चाहे आरआरबी भोपाल हो, भुवनेश्वर हो, तो उस पर जाके आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड के बारे में। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं अब आपको इन सभी प्रश्नोत्तर पे जो कि आज के इस सिनारियों में पूछे गए हैं। तो लगाइएगा टेस्ट, यहाँ पे आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। लूसेंट स्पेशल ही लेकर आए हैं आज आपके लिए, और यहाँ से रोज शाम को 4 बजे ये मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। और हाँ, जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों, अभी सुबह मैंने एक वीडियो अपडेट किया था जो कि आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर को लेकर है। यहाँ बिहार में जो जिले में बहालियां हो रही हैं, उन बहालियों में कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं इन जिलों से, वो बताया है। योग्यता बताई है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो बताया है। तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए। और बाकी एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी अपडेट आ रहे हैं हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें आप लोग। सवाल नंबर चलते हैं 1 की तरफ दोस्तों, आपके सामने आ चुका है, आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। तो देखिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, आयकर को यहाँ मैच कर दिया गया है दोस्तों राज्य सरकार, जबकि वो केंद्र सरकार यानी कि इनकम टैक्स जो है वो केंद्र सरकार से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आंसर करेंगे बी इज द राइट आंसर। मनमोहन सिंह 2019 में किस राज्य के से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए थे, यह सवाल पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। हर सवाल का आंसर देने के लिए यहां पे आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आंसर जल्दी कीजिएगा। बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे दोस्तों राजस्थान, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। राजस्थान के अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत है, यहां पे कांग्रेस की सरकार है, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 3 की तरफ, दोस्तों यहां पे आंसर करेंगे इसका। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित कारणों से कौन से वो कारण है दोस्तों, जिसमें कि सहित यहां पे किसी भी मामले में जनहित याचिका के प्रयोग किए जाने को जाना जाता है। तो पॉलिटी से क्वेश्चन है, थोड़ा सा आंसर सोच समझ के दीजिएगा, यहाँ पे आज मिक्स क्यूज है आप लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य का अगर भंग होने पर जो जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आंसर ए कर लेंगे, यहाँ सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना। ठीक है, याद रखेंगे जनहित याचिका के अंतर्गत किसी भी विषय पर याचिका जो है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और जनहित याचिका का भारत में जनक किसको कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा, पीएन भगवती को। किसको, पीएन भगवती को, याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 4 की तरफ, दोस्तों किस राज्य ने हाल ही में अपना फाइनल नागरिकता रजिस्टर जारी किया है। दोस्तों आंसर करेंगे, करंट से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, जी हाँ, 4 का आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य ने हाल ही में अपना फाइनल नागरिकता रजिस्टर जारी किया है। नागरिकता रजिस्टर जारी किया दोस्तों बी मेघालय राज्य ने। ठीक है, तो अब आपसे एक सवाल मेरा, मेघालय की राजधानी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सीएम का नाम कमेंट करें, और गवर्नर कौन है यहाँ पे, तीनों ये आपको कमेंट करना है, ये आज आपका टास्क रहेगा इस विषय पर। सवाल नंबर चलते हैं 5 की तरफ, दोस्तों G7 सबमिट हुआ था अभी हाल ही में, जो कि इसका 45वां शिखर सम्मेलन था ये। ठीक है, 2019 में ये संपन्न हुआ था। तो 3 चीजें आपको यहां से पता लग गया, G7 का 45वां शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ, तो ये कहां हुआ था, करंट से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए 2018 तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन 2019 और 20 ये 2 साल का करंट आपको कर लेना होगा, जहां से आपके सवाल जरूर पूछे जाएंगे एनटीपीसी में। बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इट्स अ बियरिटिज फ्रांस में हुआ था दोस्तों, आंसर हम ए कर लेंगे।
सवाल नंबर चलते हैं 6 की तरफ। दोस्तों 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के किस भाषा की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, यह भी करंट का क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। 66वें यानी कि 66 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ, जिसमें कि किस भाषा की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया, आंसर डी कर लेंगे, गुजराती इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लेंगे, आंसर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर सोच समझ के कीजिएगा, हर सवाल का एक नंबर और गलत उत्तर पे समझ जाइए कि 1/3 नंबर कटने वाला आपका, ठीक है। किसी भी समय अवधि के सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है, तो ये पॉलिटी से नहीं, ये इकोनॉमिक से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आंसर क्या कर लेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, किसी भी समय अवधि के सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं का यहाँ पे दिए गया सेवाओं का कुल योग कहलाता है दोस्तों राष्ट्रीय आय। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अच्छा राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1868 ईस्वी में किया था। ये नोटेबल है, ये नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और उस समय लगान लगाया गया था, कितने रुपए का, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी में, पूछा गया है बहुत बार, तो ये याद रखिएगा 20 रुपए का लगान लगाया गया था प्रति व्यक्ति, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 8 की तरफ। दोस्तों जब वाष्प द्रव में घनीभूत हो जाता है, समझ गए ना, घनीभूत हो जाता है मतलब कि मिल जाता है, तो क्या होता है? आंसर फटाफट करते जाइएगा, हर सवाल का जवाब देने के लिए 2 से 3 ही सेकंड दे रहा हूं, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। जल वाष्प और द्रव्य का घुनी जब घनीभूत हो जाता है तो उष्मा का निष्कासन करता है। क्या करता है दोस्तों? उष्मा निकलता है उसमें से। और चूंकि आपको पता होगा कि सापेक्ष आर्द्रता, जलवाष्प आर्द्रता बढ़ जाती है एवं तापमान भी बढ़ जाने की वजह से सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में पलट कर इसको। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 9 की तरफ, क्वेश्चन समझिएगा, आंसर सोच समझ के दीजिएगा। किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है, साइंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। जी हाँ, तो आज मिक्स क्यूज समझिएगा यहाँ पे, और ये सारे क्वेश्चन लुसेंट के उठाए हुए हैं। जी हाँ, जो नया लुसेंट आया है ऑब्जेक्टिव, वहां से भी लिए गए हैं कुछ प्रश्न आपके, तो लुसेंट स्पेशल चल रहा है अभी आप लोग का। आज 24 तारीख है, एडमिट कार्ड आ चुका है, 28 तारीख से आप लोग का एग्जाम है, तो लगातार ये टेस्ट तो चलता रहेगा, एनालिसिस भी आपको देते रहेंगे हम लोग वीडियो। चलिए 9 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, वायु दाब इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे दोस्तों, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती हैं। जी हाँ, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 10 की तरफ। किस राज्य द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान को प्रदान किया गया है, जल्दी से बताइएगा किस राज्य के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है भाई, अभी हाल ही में करेंट का क्वेश्चन देखिए 2019 में ये दिया गया है दोस्तों, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होती है, यह आप ध्यान रखेंगे, राज्य राजधानी से जुड़े हुए सवाल जरूर पूछे जाएंगे, और उसके मुख्यमंत्री राज्यपाल का नाम भी आपको ध्यान में रखना होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 11 की तरफ। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला विश्वविद्यालय के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2019 में किसने प्रदान किया था, देखिए ये भी एक सवाल है, सेम जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे आपको आंसर अलग होगा। जी हाँ, ये पटना बिहार में हुआ है, पटना विश्वविद्यालय ने खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड देने का फैसला किया है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2019 के लिए। सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आइए क्वेश्चन अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों का जुड़ेगा ज्योग्राफी से भी, आंसर करके जाइएगा, तो गलत उत्तर बताना है आपको यहाँ पे, तो आंसर कीजिएगा, देश के भौगोलिक क्षेत्र का एक सातवां हिस्सा वन से आच्छादित है, यानी कि वन से आच्छादित है, ये सातवां हिस्सा गलत बात है, ये कथन, भारत का पांचवा हिस्सा ही वन से आच्छादित है, ठीक है याद रखेंगे। भारत में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा वन है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर 13, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के व्यापक विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या कितनी रह जाएगी, आंसर करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन करेंट का है, अभी बैंकों का विलय हुआ है, मर्ज हुए हैं बैंक, तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का व्यापक विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या टोटल रह जाएगी दोस्तों, यहाँ पे आंसर कर लेंगे एग्जैक्टली 12 इज द राइट आंसर, ठीक है आंसर सी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे, संप्रति आंसर करेंगे दोस्तों, संप्रति 8
जो है हमारा 2019 के किन दो देशों के बीच का ये सैन्य अभ्यास है, करेंट का क्वेश्चन है ये भी। 2019 से जुड़े रहेंगे आपके करेंट अफेयर, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा 19 और 20 में जो थोड़ा सा कोविड के ऊपर ध्यान देकर चलना है, योजनाओं के ऊपर ध्यान देकर चलना है और कौन कौन से एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं उसको ध्यान में रखना है, कौन से राज्य ने कौन सी स्कीम निकाली है कोविड के लिए ये भी ध्यान रख के चलना है। ठीक है, मैं आपको सारा डिटेल स्ट्रेटजी बताता चल रहा हूँ वीडियो में, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे और सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न आप तक लेकर आ रहे हैं। 14 का आंसर डी कर लेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच का ये सैन्य अभ्यास है दोस्तों, एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि फोर्ब्स द्वारा 2019 में जारी विश्व के अरबपतियों की सूची शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त हुआ है। तो फोर्ब्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, फोर्ब्स 2019 की ये अरबपतियों की सूची दिया है इन्होंने इस बार। तो 15वां क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा, जेफ बेजोस इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे, जेफ बेजोस इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है कि किसी भी वस्तुओं को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर सापेक्षित किया जाए, यानी कि प्रक्षेपित किया जाए, फेंका जाए, तो धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया टोटल समय निकालना आपको। तो आप सभी को देखिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि किसी भी वस्तु का जब आपका ग्रेविटेशन जो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड होगा, ये एक्सेलरेशन का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इस वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित यानी कि फेंका जा रहा है, तो धरातल पर पहुंचने में वस्तु को टोटल अगर देखा जाए सेकंड, तो 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है, क्योंकि क्यों, क्योंकि 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल से जो ग्रेविटेशन जी जो लगता है हमारा, ठीक है, वो प्रमाणित मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कितना होता है, और ये हमारा मीटर पर सेकंड क्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं, तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे 2 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं, अमेरिका प्रौद्योगिकी की कंपनी गूगल, जी हाँ, अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है गूगल, उन्होंने 6 मार्च 2019 को किस देश में बोलो नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। तो ये क्वेश्चन भी करेंट का है, गूगल ने लॉन्च किया है दोस्तों बोलो करके एक यहाँ पे, तो आंसर बताइएगा एप्लीकेशन का नाम, किस देश ने लॉन्च किया है दोस्तों, एग्जैक्टली, इंडिया इज द राइट आंसर, भारत जो है इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 18 की तरफ, पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई कितनी है। पृथ्वी के यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है, भू स्थिर उपग्रह, ऐसा उपग्रह जो कि पृथ्वी के अक्ष से लंबवत तल से पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करता है, ठीक है, तो आपको आंसर कर लेना होगा दोस्तों यहाँ पे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है, ओके, आंसर ए कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ज्योग्राफी से है इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी से परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है, तो ये तो इसके डिजीज बताया गया है, मतलब इससे जो चीजें होती हैं प्रॉब्लम होती हैं उसके बाद, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, सीधा सा सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है और 4 ऑप्शन दे देगा वहां पे, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों शल्य क्रिया उपरांत रक्त स्राव होता है, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, शल्य क्रिया उपरांत रक्त स्राव होता है। अच्छा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिएगा फिलोक्विनोन होता है, क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की तरफ दोस्तों, किस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, इनमें से चारों में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है, एमएस ऑफिस, जिसमें कि हम लोग वर्ड, पीपीटी, एमएस एक्सेस है ना, ये सारी चीजें हम देख पाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 21 पे, सांख्यिकी के आंकड़ों की निरूपित करने के लिए पाई जाने वाली डायग्रामों का उपयोग होता है, वे होते हैं, क्या होते हैं भाई, पाई डायग्रामो जो होता है उसका उपयोग एक वृत्त में एक आयाम डायग्राम बनाने के लिए होता है, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक वृत्त में एक आयाम डायग्राम बनाने के लिए होता है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 22 पे, निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, तो वो कौन सा देश है भाई जहां पे ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के दिनों में ये त्योहार मनाया जाता है, तो 22 का आंसर कर लेंगे दोस्तों इट्स ए, ऑस्ट्रेलिया में,
जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, क्योंकि ईसा के जन्म दिवस के क्रिसमस के रूप में तो मनाते हैं हम लोग, इनकी मृत्यु के दिवस पर गुड फ्राइडे यहाँ मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 23 पे। एक सवाल, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ होती है? मैंने आपको कल ही बताया था क्यूज में, तो आंसर देकर जाइएगा जल्दी से। सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? सिराजुद्दौला की हार हुई थी दोस्तों पलासी के युद्ध में। आंसर क्या कर लेंगे? सी कर लेंगे दोस्तों। 23 जून, 23 जून याद रखिए डेट, 23 जून 1757 पलासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, सवाल नंबर 24 पर चलते हैं दोस्तों। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो इंडेक्सेस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मिनिस्ट्रियल लेवल के क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग जल्दी से यहाँ पे इंडिया का इंडेक्स बताना है, नंबर बताना है, कौन से नंबर पे था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मामले में। 24 का आंसर सी कर लीजिएगा, 140 हुआ, जो कि घट के हुआ था, 135 से 140 पे आया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? बिल्कुल, जिनका उत्तर बी आ रहा है दोस्तों, अजंता इज द राइट आंसर। अजंता का विस्तार सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में ही है। अरावली जो है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अजंता की गुफाएं ये गुप्त काल के जीवंत स्मारक को हमें बताती भी हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 26 पे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनमें से निम्नलिखित में से समावेश किया गया था उनका। आंसर कर लेंगे दोस्तों 26 का यहाँ पे, भारत सरकार अधिनियम 1999। ठीक है, सॉरी 1919 की बात हो रही है, 1919 की बात हो रही है। तो सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि द्वै शासन का समावेश किया गया था यहाँ पे। किसका? द्वै शासन का। आंसर ए कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अच्छा उस समय जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी हुआ था इसी अधिनियम के तहत, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 27 पे। कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है? कक्षीय सतह से यहाँ पर अक्ष का झुकाव कितना है दोस्तों? जल्दी से आंसर कर लेंगे 27 का। जिनका भी उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 27 का, इट्स अ सी, यानी कि 23.5 डिग्री इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों आंसर यहाँ पे। सवाल नंबर 28 पे चलते हैं। किसी स्थान पर अक्षांश के सूचक होते हैं, क्या सूचक होता है? किसी स्थान का अक्षांश किसके सूचक होते हैं? 28 का आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों? तापक्रम पे। ठीक है, क्या होते हैं दोस्तों? तापक्रम का सूचक होता है, क्योंकि अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को ही हम लोग तापांतर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 29 पे। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? 29, ये राष्ट्रीय लिख दिया है, राष्ट्रीय है ये। ठीक है, ध्यान रखिए भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, याद रखेंगे, चड्डी वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान पूछे तो जन गण मन, याद रखेंगे ना। और वंदे मातरम जो है आनंद मठ से उपन्यास से लिया गया था। राष्ट्रीय गीत की रचना कौन किया था? वंदे मातरम का रचना कौन किया था? तो बंकिम चटर्जी। ठीक है, जन गण मन तो रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर 30 पे चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2019 में राज्य में वोट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई? बी इज द राइट आंसर, ओडिशा इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर होती है और यहाँ के नवीन पटनायक जो है मुख्यमंत्री हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। सवाल नंबर 31। हिमांक तथा वाष्पांक के बीच फॉरेनहाइट स्केल को इंटरवल यानी कि अंतराल का वह कौन सा भाग होता है? हिमांक तथा वाष्पांक के बीच फॉरेनहाइट स्केल जो होता है दोस्तों, याद रखेंगे, जी हाँ, ये स्केल को पर जो कोटि होता है वो इंटरवल का, जी हाँ, 180वां भाग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आंसर क्या कर लेंगे? डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे। सुल्तान अजमल शाह हॉकी कप 2019 का खिताब किसने जीता? देखिए, स्टैटिक जीके भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं आज पूरे टेस्ट में, तो कितना स्कोर कर पाए हैं, कैसा लगा टेस्ट आपको आज का, ये सब हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि डेली बेसिस पे ये क्यूज आपको कराया जाए यहाँ पर। आंसर करिएगा दोस्तों 32 का, इट्स ए दक्षिण कोरिया इज द राइट आंसर। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल होती है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 33। ओजोन परत पर निम्नलिखित में से उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है दोस्तों?
ओजोन परत पर समताप मंडल अवस्थित होता है, सी इज द राइट आंसर, समताप मंडल पर अवस्थित होता है ओजोन परत एक्चुअली, ठीक है। इसी मंडल में वायुमान भी उड़ता है, यानी कि जो प्लेन होते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वायुयान होते हैं यानी कि एरोप्लेन होते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में, याद रखिएगा ना, सवाल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्टैटिक पार्ट आपको बता रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना आपको। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 फरवरी 2019 को निम्नलिखित में से बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया है, आंसर करेंगे 2034 का करेंट अफेयर क्वेश्चन है, बी डीके जैन को किया है दोस्तों, ठीक है। आंसर क्या करेंगे, डीके जैन को बनाया गया है बीसीसीआई का लोकपाल, नियुक्त किया गया है इनको 21 फरवरी 2019 में। सवाल नंबर 35 दोस्तों, वर्ष 2019 में बाफ्टा फिल्म पुरस्कार किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान करता है, फटाफट आंसर करेंगे, 35 का आंसर कर लीजिएगा, ये भी करंट से जुड़ा हुआ है। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में याद रखिएगा दोस्तों, रोमा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम में ही देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है, जी हाँ, चंद्रमा पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा पूरी करता है, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, जी हाँ, इट्स अ बी 27.3 दिन में, याद रखेंगे, याद रखिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा युग्मक सही सुमिलित नहीं है, नहीं बोल दिया गया है, 37 का आंसर क्या कर लेंगे, नहीं है, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, दाब को डाइन, जो एसआई मात्रक दिया गया है ये सही सुमेलन नहीं है इसका, यानी कि मैचिंग करना आपको यहाँ पे, जो प्रेशर होता है जो आपका, उसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे, जी हाँ, देखिए जो विद्युत होता है उसका तो वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, लेकिन प्रेशर का क्या होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, सापेक्षित घनत्व क्या है, सापेक्षित घनत्व क्या है, सापेक्षित घनत्व क्या है दोस्तों, तो आंसर कर लेंगे, इट्स ए, यह 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, और सापेक्षित घनत्व होता है दोस्तों पदार्थ का घनत्व अपॉन में 4 डिग्री जल का घनत्व, ठीक है, आंसर हमारा ए कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला एक तरह का, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। सवाल नंबर 29 दोस्तों, फरवरी 2019 में कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना था, नाटो का 30वां सदस्य बना था दोस्तों, 39 का आंसर कर लीजिएगा, मेसोडोनिया इज द राइट आंसर, फरवरी 2019 में नाटो का 30वां सदस्य बना मेसोडोनिया, ये करेंट के क्वेश्चन में इंक्लूड किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा, याद भी रखिएगा। आखिरी सवाल पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, साइना नेहवाल है ये, साइना नेहवाल कौन से खेल से संबंधित है बताइए, साइना नेहवाल को आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, बैडमिंटन से संबंधित है, जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, इट्स अ बी बैडमिंटन से संबंधित है। अच्छा, टेनिस खेल से संबंधित सानिया मिर्जा भी है, शतरंज खेल से अगर पूछ ले दोस्तों तो विश्वनाथन आनंद का नाम याद रखिएगा, तैराकी में अगर पूछ ले तो ऋचा मिश्रा को याद जरूर रखिएगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सवाल यहाँ पे समाप्त होते हैं, आपने कितने उत्तर सही किए आउट ऑफ 40 हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए, वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आज थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को लेट मिला होगा इसलिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था आज, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, एडमिट का डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों।